किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने राजनीति की नई पारी हरियाणा में शुरू कर दी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में गुरनाम सिंह चडूनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी ने कुरुक्षेत्र से इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला को समर्थन किया था, लेकिन आज हुई बैठक में ऐलान किया गया कि हरियाणा में संयुक्त संघर्ष पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि इनेलो के साथ रिश्ता खत्म। इसके साथ साथ ही गुरनाम सिंह चडूनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय किसान यूनियन अब संयुक्त संघर्ष पार्टी की किसान शाखा कहलाएगी, यानी कि अब सर्वे सर्वे हो गया है संयुक्त संघर्ष पार्टी। गुरनाम सिंह चडूनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कल हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बाद हरियाणा में अपने राजनीतिक अभियान का संयुक्त संघर्ष पार्टी बिगुल बजा देगी। संयुक्त संघर्ष पार्टी तो जो है वो हमने पंजाब में बना ली थी, लेकिन उसके बाद उस पर सक्रियता से काम नहीं था, और आज की जो मीटिंग है आज हमने फाइनल किया है कि इस पर सक्रियता से काम करेंगे। कल हरमिंदर साहब में मत्था टेकेंगे और उसके अगले दिन आके पूरे हरियाणा के अंदर पार्टी का काम शुरू करेंगे, और इसकी हमने आज एक कोर कमेटी बना दी है। अगला चुनाव है आने वाला 2024 का विधानसभा का, जो हरियाणा का चुनाव है, उसमें सभी सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारे। पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी है, और उसका निशान जो है वो ऑटो रिक्शा, थ्री व्हीलर जिसको बोलते हैं, वो निशान उसका मिल गया है, और जो झंडा है जो वो अभी हम छपवा रहे हैं, और बैनर जो है वो छपवा रहे हैं। वो पार्टी का मुख्यालय कौन रहेगा? देखिए, मैं बता हटा हूँ कि एक बार अंदर हरमिंदर साहब में मत्था टेकने के बाद उसके बाद सब कुछ आके हम अगले 4 तारीख से जो है वो अपना काम शुरू कर देंगे, और उसी में सारी चीज़ की घोषणा की करेंगे। अकेले चुनाव लड़ेंगे? हाँ, जो संयुक्त संघर्ष पार्टी है वो सब सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। किसान यूनियन का काम कैसे रहेगा साथ साथ? किसान यूनियन जो है वो संयुक्त संघर्ष पार्टी का किसान विंग बना दिया गया है, और आंदोलन भी इसी तरह से लड़ते रहेंगे, लेकिन संयुक्त संघर्ष पार्टी के झंडे के नीचे लड़ेंगे। हमारा मतलब है इस गंदी राजनीति को बदलना। इस राजनीति ने देश का शोषण किया है, गरीबों का शोषण किया है, किसानों मजदूरों का शोषण किया है, अमीर लोगों को पाड़ा है। हम इस राजनीति को शुद्ध करना चाहते हैं कि देश की संपत्ति में सभी का हिस्सा है। देश की संपत्ति पूंजीपतियों को बेचने के लिए नहीं होती, सभी का हिस्सा होता है। जो आत्महत्या कर रहे हैं उनका कर्जा माफ नहीं है, हजारों हजार करोड़ बड़े पूंजीपतियों को देश का पैसा लुटा रहे हैं, तो सभी जो नीतियां हैं इनको उल्टा करने की जरूरत है। वो कमेटी बना दी है, कमेटी ने फैसला करना है, लेकिन मैं एक आपको बता देता हूँ कि हम इसको धर्म युद्ध मान के लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध मान के लड़ रहे हैं कि आज बड़े पूंजीपति देश के गरीबों को, देश की जनता को खा रहे हैं, देश का युवा देश को छोड़ के बाहर जा रहा है, तो हम इस देश को बचाने के लिए जो है ये धर्म युद्ध लड़ेंगे, और इस पार्टी के झंडे के नीचे इस राजनीति को शुद्ध करेंगे। आप पेहवा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये कमेटी हमने बनाई है और सभी ने मेरा पेहवा से नाम लिया है, और बाकी हम 4 तारीख को अगली घोषणा करेंगे। देश भर के अलग अलग प्रांतों से आए हमारे पदाधिकारी, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो एजेंडा है कि राजनीति में हमारी क्या भूमिका हो, उसके बारे में जैसे रिकेश बैंक जी ने कहा कि भूमिका तो क्या हो चुकी है, जो उससे पिछली मीटिंग हुई थी उसमें ये घोषणा करती थी कि संयुक्त संघर्ष पार्टी हमारी पार्टी होगी और किसान यूनियन विरोधी उसका किसान विंग रहेगा, और जो भी हम कार्य करेंगे आंदोलन करेंगे वो संयुक्त संघर्ष पार्टी के झंडे के नीचे करेंगे, और किसान कमेरे की वोट को लामबंद करने का काम करेंगे, और एक आंदोलन की तरह नहीं किसान की वोट को इकट्ठा करने का आंदोलन करेंगे। तो जो मुख्य रूप से बात आई है कि उसमें हमारे आगे रणनीति क्या हो, तो बिल्कुल मैं इस बात का निजी तौर पर पक्षधर हूँ। मैं पेहवा से आता हूँ, और पिछली मीटिंग में मैंने खड़ा होकर के सुझाव दिया था कि प्रधान जी पूरे हरियाणा के अंदर एक ही सीट है, और राजनीति में मुद्दों से ज्यादा समीकरण भी देखे जाते हैं, और उस सीट के नाते हम आपको न्योता देते हैं कि आप पेहवा में आइए और पेहवा से चुनाव लड़िए, और प्रधान जी ने उस पर विचार भी किया है। और आज मैं फिर डॉक्टर जस्टिस से विनती करूंगा कि आज इस मीटिंग से घोषणा कर दी जाए
कि आप मजबूती से पिंडवा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक सीट पर फोकस होने से हमारी जो शक्ति है वो एक दिशा में काम करेगी और हमारा पूरा जो कैडर है हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान का वो वहां पर तन मन धन से काम करेगा, तो हमारे लिए आसानी रहेगी। और मैं इस पूरी मीटिंग को और अपने अध्यक्ष जी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा पैसा तन मन धन तो छोड़िए, हमारे शरीर की एक एक खून की बूंद आपके काम आएगी चुनाव के लिए, जिसे अगर आप खून भी मांगोगे तो खून भी आपके लिए। आप पूरा समय वहां दीजिए। और मैं इस मन से घोषणा करता हूं कि निजी तौर पर 1,00,000 रुपए का फंड जिस दिन प्रधान जी आप पहलो आकर के काम शुरू कर देंगे उसी दिन मैं 1,00,000 रुपए का फंड आपके तौर पर और उसके अलावा हमारी पहलो की जो कोर कमेटी है वो अपना कार्यभार संभालेगी। लेकिन मेरी विनती यही है कि आप घोषणा करते आपकी जो मुख्य हेडलाइन है वो ये कहना चाहिए कि गुरनाम सिंह तरूनी होंगे किसानों के प्रवासी प्रत्याशी, ताकि एक संदेश चला जाए, क्योंकि समय कम है, तमाम पार्टियों के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो मैदान में आ चुके हैं, फिर लोग कहीं ना कहीं घूमने लग जाते हैं, तो आज वैक्यूम है, लोगों के पास जाएंगे तो ही लोग हमारी बातों को अंडरटेक करेंगे। मैं ज्यादा बात लंबी नहीं।